लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME की पहल पर आज नोएडा सेक्टर 62 स्थित एक्सपो सेंटर में 2 दिवसीय उद्यम समागम का विधिवत शुभारंभ किया गया। समागम का शुभारंभ राज्य मंत्री उदयभान सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस उद्यम समागम में नोएडा ही नहीं बल्कि देश भर के टॉप गारमेंट्स एक्सपोर्टर रेडीमेड गारमेंट्स में इनोवेशन करने वाले तमाम स्टार्टअप ने प्रदर्शनी में अपने डिस्प्ले स्टॉल लगाए हैं। विपक्ष के कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने संबंधी आरोप पर राज्य मंत्री ने कहा कि उनका काम है कहना, हमारा काम है सुनना। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मायावती का काम है कहना और उनका काम है सुनना। उदयभान सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री काफी संजीदा हैं। झांसी में हुए पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री जी बगलें झांकते नजर आए। सरकार के कार्यक्रम में सरकार के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। सरकार का कार्यक्रम हो, सरकारी मेहमान की आओ भगत में नियमों की धज्जियां न उड़ें, ये तो मुमकिन ही नहीं। ऐसा ही नजारा MSME के उद्यम समागम में भी देखने को मिला, जहां मंत्री जी की आओ भगत में प्लास्टिक मुक्त अभियान का मखौल उड़ाते हुए जमकर प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया। वहीं इस बारे में जब मंत्री जी को अवगत कराया गया तो वे इसे छोटी सी भूल बताते हुए सवाल को टालते नजर आए। एक जिला एक उत्पाद सरकार की पहली प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता के आधार पर नोएडा ने भी अपना स्थान बनाया है गारमेंट के अंतर्गत। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उद्गम समारोह हो रहे हैं और उसमें से एक श्रृंखला में से ये भी एक शाखा है, एक भी श्रृंखला है। उसी कार्यक्रम में मैं आया हूँ। नोएडा ने अपनी पहचान बनाई है और भी अच्छी पहचान बने और हम आगे बढ़ें, यही सरकार चाहती है। अर्थव्यवस्था देश की अच्छी होगी तो जिले में और देश में कल्याणकारी कार्य होंगे। यही मैं छोटे देखिए, छोटे उद्योग तो स्थाती में है इस देश के में। ये अभी हमने विश्वकर्मा जो योजना बनाई है वो छोटे ही उद्योगों के लिए बनाई है, सूक्ष्म उद्योगों के लिए अलग बनाई है, मध्यम उद्योगों के लिए अलग बनाई है। हमने अलग अलग योजना है, आप ये देखिए, छोटा सबसे छोटा काम तो हमने किट जो दे रहे हैं, लोहार को लोहार गिरी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ई को बढ़ई गिरी में आगे कराने, सुनार को सोने के काम में आगे बढ़ाना है, मोती के काम करने वालों को अलग करा, जो जो काम कर सकता है उस काम में प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है। पैसा चाहिए तो पैसा बैंक देगी, साधन चाहिए तो सरकार साधन देगी, वातावरण चाहिए तो सरकार वातावरण देगी, चाहे जैसे हो, लेकिन देश का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, वह स्वावलंबी कैसे बने, ये सरकार की सबसे बड़ी योजना है और उसी योजना के अंतर्गत ये उद्योग आता है, चाहे वो सूक्ष्म उद्योग हो, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे वो मध्यम उद्योग हो।